Hello friends, in this video we are going to study about spermatogenesis. But before beginning spermatogenesis, let's first talk about gametogenesis. तो गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जो तब बिगिन होती है व्हेन दिस ऑर्गेनिज्म बिकम सेक्सुअली मैच्योर. तो जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म, तब जो है गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है. गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो फर्दर दो अलग तरीके की है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल एंड ऊजेनेसिस इन केस ऑफ फीमेल्स. गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट्स बनना और उनकी डिफ्रेंसीशन होना. तो ये जो गैमेट्स की फॉर्मेशन है ये होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जिसको गोनाड्स कहते हैं, दैट इज टेस्टिस एंड ओवेरीज. सो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफ्रेंसीशन. ये दो चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है कि गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है इट्स अबाउट द फॉर्मेशन एज वेल एज डिफ्रेंसीशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, दैट इज स्पर्म्स इन केस ऑफ मेल एंड एग और ओवा इन केस ऑफ फीमेल्स. तो ये जो गैमेट्स हैं ये बनते हैं डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल जिसको गैमेटोगोनिया कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल इन केस ऑफ मेल्स एंड ऊगोनिया इन केस ऑफ फीमेल्स. तो स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया जो है ये जर्म सेल्स हैं जिनसे स्पर्म्स और ओवा की फॉर्मेशन होती है. अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया है दे आर प्रेजेंट इन दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जिनको गोनाड्स कहते हैं, जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरीज. तो टेस्टिस हमने पहले पढ़ लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर. तो वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है ये जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं और ये स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड गैमेट स्पर्म्स. नाउ दिस इज द चार्ट फ्रॉम वेयर वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस. द फॉर्मेशन एज वेल एज डिफ्रेंसिएशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स फ्रॉम डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल्स फ्रॉम विच इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गोनाड्स, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस. And now we begin with the process of spermatogenesis, which occurs in case of males to form their haploid gametes, that is sperms or spermatozoon. So now let's start with the definition of spermatogenesis. So spermatogenesis क्या होती है? It's the process of formation of haploid microscopic and functional male gamete, that is spermatozoa or sperm. तो स्पर्म की फॉर्मेशन को जो है स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. कैसे बनता है ये? इट फॉर्म्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया इज द मेल जर्म सेल एंड दिस मेल जर्म सेल इज प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस इन मेल. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर. नाउ दिस प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी एंड इज मेंटेन्ड विद एडवांस्ड एज. तो जैसे ही प्यूबर्टी अटेन हो जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. जो मेल मेनोपोज होता है विच इज़ नॉट आइडियली प्रेजेंट एट ऑल, बट इन केस व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोन और स्पर्मेटोजोआ डिक्रीजेज, दैट पीरियड इज मेनली कंसिडर्ड एज मेल मेनोपोज. इसको मेल क्लीमेट्रिक भी टर्म दी जाती है. तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उस प्रोसेस से जो है एक एडल्ट मेल प्रोड्यूस कर सकता है फ्रॉम 10^12 टू 10^13 स्पर्म्स ईच डे. सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस. सो इफ वी सी ए डायग्राम which is the transverse section of seminiferous tubules. So here, this is the diagram of seminiferous tubule, which is the transverse section. तो ये एक transverse section है जो कि testes के अंदर है
तो ये जो है अंदर की वॉल है सेमिनिफेरस टिब्यूल की, जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं. बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, राइट. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, यही जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स माइटोसिस करते हैं, और माइटोसिस से क्या करते हैं देखो, प्रोड्यूस कर देते हैं ये स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनियम क्या है? मेल जर्म सेल, राइट. दिस मेल जर्म सेल प्रोड्यूसेस स्पर्म्स. तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम है यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अंडरगो मियोसिस, माइटोसिस. तो माइटोसिस से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम यानी कि मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ? इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में. तो अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये फर्दर आगे चल के आप देख रहे हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं. तो यही स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन अर्ली स्पर्मेटेड, देन दिस अर्ली स्पर्मेटेड गेट्स चेंज इन टू स्पर्म. तो यहाँ पे देखो स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इन बिटवीन दिस स्पर्मेटोगोनियम, ये स्पर्मेटोगोनियम के बीच में कुछ ऐसी लेयर होती है पूरी की पूरी स्पर्मेटोगोनियम की. इन पूरी लेयर्स के बीच बीच में जो है लॉन्ग सेल्स बनते हैं, और उन लॉन्ग सेल्स को क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स. इनके बारे में भी पढ़ा हुआ है. सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म्स. ये सर्टोली सेल का फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर. सो दिस इज़ दी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल. तो यहाँ पे हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को देख सकते हैं. तो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती कहाँ पे है? ये होती है टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन टिब्यूल्स के अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, राइट. अब अगर आगे की बात देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो मैमल्स के अंदर जो है दो तरीके से हो सकती है. एक होते हैं सीजनल ब्रीडर्स, एक होते हैं ऑल टाइम ब्रीडर्स. अब ये जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं ये सिर्फ, इनके अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस उसी पीरियड के अंदर होगी जहाँ पे इनका ब्रीडिंग सीजन होगा. जिस टाइम भी इनका ब्रीडिंग सीजन होगा उसी टाइम के अंदर इनकी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, अदरवाइज वो नहीं होती. और जो ऑल टाइम ब्रीडर्स होते हैं उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट द ईयर होती ही रहती है. तो मतलब ये है कि दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर, बट सीजनल ब्रीडर्स कैन नॉट ब्रीड थ्रू आउट द ईयर्स. अब सीजनल ब्रीडर्स में होता क्या है कि जो इनकी टेस्टिस होती हैं वो टेस्टिकुलर साइकिल के अंदर जाती हैं, जिसमें इनकी टेस्टिस और उनके अंदर प्रेजेंट जो स्पर्मेटोजेनिक टिश्यूज होते हैं ये जो है फंक्शनल तभी होते हैं जब इनकी स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन आता है. अब कुछ एग्जाम्पल जो सीजनल ब्रीडर्स के यहाँ पे हैं, मेन एग्जाम्पल यहाँ पे है बैट का. जो बैट होता है वो एक सीजनल ब्रीडर है. इनमें क्या होता है, जैसे ही सीज़न आता है ब्रीडिंग का तो इनकी टेस्टिस जो है साइज में बड़ी हो जाती हैं, फंक्शनल हो जाती हैं और एब्डोमन से आ जाती हैं स्क्रॉटम के अंदर, विच मीन्स दैट दे डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम. तो एब्डोमन से स्क्रॉटम में आ जाती हैं ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन. और बाकी सीजन्स में क्या हो जाता है, इनकी टेस्टिस रिड्यूस हो जाती हैं, नॉन फंक्शनल हो जाती हैं और फिर से जो है एब्डोमन के अंदर चली जाती हैं बाकी सीजन्स में. तो ये भी हमने पढ़ा है कि जो टेस्टिस होती हैं वो डेवलप एब्डोमन में ही होती हैं ह्यूमंस में भी, लेकिन वो डिसेंड कर जाती हैं इनटू द स्क्रॉटम. बट सीजनल ब्रीडर्स में क्या होता है कि ब्रीडिंग टाइम पे तो टेस्टिस जो है स्क्रॉटम के अंदर चली जाती हैं, बट इन द नॉन ब्रीडिंग सीजन वो फिर से नॉन फंक्शनल होके एब्डोमन के अंदर चली जाती हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे है बैट फॉर सीजनल ब्रीडर्स. अब उसके अलावा दूसरा हमारे पास होता है ऑल टाइम ब्रीडर्स. अब ये जो ऑल टाइम ब्रीडर्स होते हैं इनका एग्जाम्पल लाइक ह्यूमन मेल, लॉयन, बुल, हॉर्स, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑल टाइम ब्रीडर्स. इनमें क्या होता है, इनकी जो टेस्टिस होती है दे लाई परमानेंटली इन द स्क्रॉटम. तो इनमें जो है परमानेंटली स्क्रॉटम में ही होगी और स्पर्मेटोजेनेसिस होती रहती है थ्रू आउट द ईयर. अब यहाँ पर अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें तो उनकी जो टेस्टिस है वो, अगर वॉर्म की बात करें, एक ह्यूमन मेल बेबी अगर डेवलप हो रहा है एक वॉर्म के अंदर या यूट्रस के अंदर, तो उस टाइम पे सेवन्थ मंथ से पहले पहले उसकी टेस्टिस की डेवलपमेंट उसके एब्डोमन में होगी या पेल्विक कैविटी के अंदर होगी. बट आफ्टर द सेवन्थ मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, तो सेवन्थ मंथ के बाद जो उनकी टेस्टिस हैं वो फिर डिसेंड कर जाती हैं इनटू द स्क्रॉटम, राइट. बट ड्यूरिंग द सेवन्थ मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, उससे पहले पहले तो वो एब्डोमन में डेवलप हो रही होती है. और वो भी क्यों डिसेंड करती है, दे डिसेंड अंडर द स्टिम्युलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन.
हमें पता है कि जो लेडिक सेल्स होते हैं या इंटरस्टीशियल सेल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो वो जो सेल्स होते हैं दे सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विच इज़ द मेल सेक्स हार्मोन. तो वो स्टिम्युलेट करता है टेस्टिस को टू डिसेंड इन टू द स्क्रॉटम ड्यूरिंग द सेवंथ मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड या सेवंथ मंथ ऑफ डेवलपमेंट इन साइड द वॉम, राइट. तो ये है ऑल टाइम ब्रीडर्स के बारे में. अब जो कुछ ऐसे ऑल टाइम ब्रीडर्स भी होते हैं जिनके पास क्रोटम होता ही नहीं है, उनकी टेस्टिस जो है वो परमानेंटली एब्डोमेन में ही रहती हैं. एग्जांपल है यहाँ पे एलिफेंट, वेल्स एंड सील्स का. सो इन एलिफेंट, वेल्स एंड सील टेस्टिस आर परमानेंटली एब्डोमिनल इन पोजीशन. अगली बात ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि 74 डेज में कंप्लीट होती है. यानी कि अगर हम स्टार्ट करें जर्मिनल एपिथीलियम से, जो कि इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है टेस्टिस के अंदर, तो जर्मिनल एपिथीलियम की बात करें तो वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है. तो पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है स्पर्म तक की बनने की फॉर्मेशन तक जो है 74 डेज लगते हैं कंप्लीट होने के लिए इस प्रोसेस को, राइट. सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन एंड डेफिनेशन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि व्हाट्स द मैकेनिज्म ऑफ दिस प्रोसेस, ये एक्चुअल में प्रोसेस है जो टेस्टिस के अंदर ये प्रोसेस होती कैसे है, तो यहाँ पे हेयर इज़ अ डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल. सो दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेमेलियन टेस्टिस. हमें पता है ये टेस्टिस है. अब टेस्टिस के अंदर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं और इन लोब्यूल्स के अंदर ये जो हमें कॉइलिंग दिख रही है दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है. तो ये जो है अगर इसको हम ट्रांसवर्स ऐसे काट देंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का आएगा, राइट. दिस इज़ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ मेमेलियन टेस्टिस. तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर का, और ये जो बाहर ये है इंटरस्टीशियल सेल्स. यहाँ पे मतलब लेडिक सेल्स प्रेजेंट है, ये देखो लेडिक सेल्स और इंटरस्टीशियल सेल्स, राइट. इनका काम है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन करना. ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो है ये है अंदर की लाइनिंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की. अब ये क्या है, ये है जर्मिनल एपिथीलियल सेल्स, राइट. दीज आर दी जर्मिनल एपिथीलियल सेल्स, और जर्मिनल एपिथीलियल सेल्स के बीच बीच में ये जो लॉन्ग लॉन्ग सेल्स प्रेजेंट है इनको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स और सस्टेंटेक्युलर सेल्स, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो सेल्स है जर्मिनल एपिथीलियल सेल्स, दीज जर्मिनल एपिथीलियल सेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स दी स्पर्मेटोगोनियम और मेल जर्म सेल्स. तो ऊपर की लेयर क्या हो गई, मेल जर्म सेल्स की हो गई. फिर उसके ऊपर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, एंड देन यहाँ पे देखो ये क्या है, सारे के सारे स्पर्म्स हैं. तो यानी कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन साइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट. सो दिस इज़ हाउ वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड अगर हम अगर मैकेनिज्म के ऊपर देखते हैं तो मैकेनिज्म इसके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है स्पर्मेटोजेनेसिस. फर्स्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, यानी कि स्पर्मेटिड तक के फॉर्मेशन का जो पार्ट है वो. फिर उसके बाद ये जो स्पर्मेटिड बना है इसको स्पर्म के अंदर ये कैसे कन्वर्ट होता है या स्पर्मेटोजोआ के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, तो उसको हम सेकेंड पार्ट के अंदर रखते हैं विच इज़ द डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म जो है कंप्लीट स्पर्म एक कैसे बनता है ये हम दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं. तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है, यानी कि फ्रॉम जर्मिनल एपिथीलियम टू एक स्पर्मेटिड गोल सा स्ट्रक्चर जो है, मतलब कि स्पर्मेटिड भी क्या है, एक स्फेरिकल शेप सेल है, जबकि स्पर्म जो है वो एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, मोटाइल है, उसके पास टेल है, ये इसके पास टेल नहीं है. तो यहाँ तक के बनने के जो प्रोसेस होती है उसको फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में हम रखते हैं. और यहाँ पे जो है इसके भी तीन फेज होते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के. पहला फेज होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा फेज होता है ग्रोथ फेज, और तीसरा फेज होता है मैच्योरेशन फेज और मियोटिक फेज. तो ये अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर यू, एंड इफ इट इज़ देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट. थैंक यू.